नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कई बार इंसान जाने अनजाने में ऐसे पाप कर बैठता है जिससे भगवान शिव क्रोधित हो उठते हैं। कई बार व्यक्ति ऐसे कार्य कर लेता है जिसके कारण भगवान शिव और माता पार्वती उन पर गुस्सा हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति कितनी भी पूजा पाठ क्यों ना कर ले, उन्हें कभी शुभ फल की प्राप्ति नहीं हो सकती। शिव पुराण में कार्य, बात, व्यवहार और सोच द्वारा किए गए कुछ पापों का वर्णित है जिसे भगवान शिव कभी क्षमा नहीं करते। भोलेनाथ की पूजा करने से व इन कार्यों को त्याग कर भोलेनाथ के क्रोध से बचा जा सकता है। किसी दूसरे के धन और स्त्री पर बुरी नजर रखना पाप है। चोरी करना, जुआ खेलना, माता पिता और देवी देवताओं का सम्मान ना करना भी एक किस्म का पाप माना गया है और संतों की सेवा ना करके अपनी सेवा करवाना भी बहुत बड़ा पाप है। इससे भगवान शिव क्रोधित होते हैं। शिव पुराण के अनुसार किसी भोले भाले इंसान को कष्ट देना और बुरा ना करके उसके बारे में बुरी सोच रखना भी पाप की श्रेणी में ही आता है। गर्भवती महिला को कठोर वचन कहना या अपनी बातों से उसका दिल दुखाना भी भोलेनाथ की नज़रों में घोर पाप माना गया है। गलत तरीकों से दूसरे की संपत्ति को छीनना, ब्राह्मण या मंदिर की चीज़ें चुराना या गलत तरीके से हथियाना भी पाप है। ऐसा करने से भी व्यक्ति पाप का बहुत बड़ा भागी बन जाता है। निरपराध इंसान को कष्ट देना, उसे नुकसान पहुंचाना या उसके लिए बाधाएं पैदा करने की योजना बनाना या ऐसी सोच रखने वाले को भी भगवान शिव कभी माफ नहीं करते। शराब पीना, गुरु की पत्नी के साथ संबंध बनाना, दान की हुई चीजें या धन वापस लेना भी महापाप माने जाते हैं जिसे भगवान शिव कभी क्षमा नहीं करते। उम्मीद है दोस्तों, आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी होगी। हमारा आपसे निवेदन है, अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।